न्यूज़लाइन दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचम्बा थाना के लखारी स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में प्रसव के बाद एक महिला की हुई मौत। बाद में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया जमकर हंगामा। इधर चिकित्सक ने कहा पेट में मर चुका था शिशु, ब्लड कम रहने का भी परिजनों को दे दिया गया था जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की ओर से सरजेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। वित्तीय साक्षरता व जन जागरूकता के महत्व पर डाला गया प्रकाश। डीसी ऑफिस प्रांगण में डालसा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों के लिए मेगा शिविर का किया गया आयोजन। सभी प्रखंडों के 25 दिव्यांग बच्चों के बीच व्हील चेयर और 15 बच्चों के बीच UDID प्रमाण पत्र का किया गया वितरण। सीसीएल क्षेत्र के बनियाडीह स्थित लंकास्टर अस्पताल परिसर में भू धसान की घटी घटना। क्वार्टर और अस्पताल के दूसरी तरफ जमीन का धसा हिस्सा, देखा गया दहशत का माहौल। जन्माष्टमी को लेकर जेपी नगर माँ डायरी गली के अर्ली लर्नर कोचिंग सेंटर में सोमवार रात कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कृष्णा और राधा रूप सजा प्रतियोगिता भी कराई गई। सेंटर संचालक रिक्की गुप्ता और विक्की की देखरेख में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर माहौल उत्साह से भरा हुआ था। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं को चॉकलेट और केक दिया गया। गिरिडीह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में मंगलवार को श्री कृष्ण बाल रूप सजा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म विधर्मियों का नाश करने के लिए हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर सभी 16 कलाओं के साथ अवतार लिया था। उनका अवतार लेना मानव जाति के लिए एक वरदान है। निष्काम कर्म करने पर व्यक्ति महान बन जाता है, अतः हमें अपने कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। प्रतियोगिता में 87 भैया बहनों ने राधा कृष्ण का रूप धारण कर बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में माताओं ने अपने बच्चों को श्री कृष्ण और राधा के रूप में सुसज्जित कर घरों से लाया। आकर्षण वेशभूषा एवं श्री कृष्ण भक्ति गीतों से विद्यालय परिसर श्री कृष्ण भक्ति से सराबोर हो गया। प्रतियोगिता में श्रेयांश शर्मा प्रथम, ईशांत कुमार द्वितीय एवं अर्णव कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनीता मिश्रा, राजेश नंदन, बेबी सरकार, बिपिन सहाय, मोंटुशीदा, कल्पना कुमारी, मोनालिसा, प्रिया विशाखा, पुष्पा कुमारी का सराहनीय योगदान रहा। हरिओम, आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह में जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे भैया बहनों ने भाग लिया। इसमें सारे छोटे छोटे भैया बहन राधा और कृष्ण का स्वरूप धारण करके आए थे। बड़ा अच्छा प्रतियोगिता रहा। हम विद्यालय परिवार भैया बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। डीसी ऑफिस प्रांगण में डालसा व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों के लिए मंगलवार को मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिले के सभी प्रखंडों के 25 दिव्यांग बच्चों के बीच व्हील चेयर और 15 बच्चों के बीच UDID प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मेगा शिविर का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। बताया गया कि झालसा रांची के द्वारा दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल कैंप का आयोजन कर व्हील चेयर और UDID प्रमाण पत्र का वितरण करने का हेतु निर्देश प्राप्त था, उसी को लेकर यह आयोजन किया गया। शिविर में सिविल सर्जन SP मिश्रा, डालसा सचिव सोनम विश्नोई, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला योजना पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, नीति आयोग ब्लॉक फेलो, DCPU काउंसलर समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। पचम्बा थाना इलाके के लखारी 36 फ्लैट के पास स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में मंगलवार को प्रसव के बाद एक महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बताया गया कि बिरनी थाना इलाके के चरघरा निवासी सुल्तान अंसारी ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी जेबा तबसुम को प्रसव पीड़ा के बाद चैताड़ी स्थित मातृत्व शिशु इकाई में एडमिट करवाया था। इसके बाद यहां इलाज की सुविधा नहीं मिलने पर उन्होंने पचम्बा थाना इलाके के लखारी स्थित क्रेसेंट नर्सिंग होम में सोमवार को भर्ती करवाया। यहां डॉक्टर BC हेम्ब्रम के द्वारा जांच की गई। जांच में पता चला कि गर्भ में ही बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं महिला के शरीर में खून की भी कमी थी।
इसके बावजूद चिकित्सा ने महिला का ऑपरेशन करके गर्भ में पड़े मृत बच्चे को बाहर निकाल दिया। वहीं इसके बाद मंगलवार की सुबह जेबा तबस्सुम की स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी पर काफी संख्या में लोग नर्सिंग होम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि खून की कमी के बावजूद चिकित्सा ने ऑपरेशन कर दिया। वहीं मौत हो जाने के बाद खून की मांग की जा रही थी। इस दौरान जानकारी पाकर सामाजिक कार्यकर्ता नवीन आनंद भी मौके पर पहुंचे। वहीं हंगामे की सूचना पर पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार भी सदल बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान नवीन आनंद के पहल पर मृतक के परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने की बात डॉक्टर ने कहा। इधर आरोपों पर चिकित्सा बी हेम्ब्रम ने कहा कि परिजन बहुत ही गंभीर हाल में उसे लेकर उनके पास पहुंचे थे। उसके गर्भ में 48 घंटे पूर्व बच्चे की मौत हो गई थी। जांच के दौरान हीमोग्लोबिन कम था, जिससे परिजनों को बता दिया था। उसके बाद परिजनों ने आग्रह पर उन्होंने ऑपरेशन किया। इस दौरान परिजन खून जुटा नहीं पाए थे। ऑपरेशन के बाद महिला सही थी। ब्लड इंतजाम नहीं होने की वजह से सुबह महिला की मौत हो गई। हाल फिलहाल शादी हुआ है, जो हमारे पीड़ित थे उनका जो है बिरनी में उनका शादी हुआ है। तो एक साल पहले ही शादी हुआ, तो ये डिलीवरी लगभग एक साल से ये अपने पेट में है इनका बच्चा जो है। तो इनको सदर हॉस्पिटल के ले गया। सदर हॉस्पिटल में इनका इलाज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर CS के जो लापरवाही है क्या है। अगर जानकारी मान लीजिए जानकारी दिया हुआ है, जब तक आपके पास बैकअप सपोर्ट नहीं है तो आप कैसे ऑपरेशन करते हैं? आपके पास अथोराइट है और डॉक्टर का ये कहना कि ऐसा रिस्क हम लेते हैं, ऐसा रिस्क लेने के कारण देखिए हम उनकी जान चली गई। तो सदर से इस हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हुई? सदर से इसलिए एडमिट हुई क्योंकि वहाँ पे उचित जो उपचार जो है वो नहीं हो पा रहा था उनका, इसीलिए वहाँ से ये यहाँ पे। हकीकत बात ये, कल जेबा तबासुम खातिन नाम करके 11 बजे मेरे पास पेशेंट आए। वो ये चरघरा बिरनी प्रखंड की। क्या हुआ मामला? वो उसका पेट में 48 घंटा से बच्चा पेट में मरा हुआ था। सदर में एडमिट थी तो सदर में वो लोग ऑपरेशन भी नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं किया और वो बोला कि धनबाद ले जाओ। वहाँ नहीं ले जाओ तो यहाँ उसका परिजन लेके आए। तो हम जांच किए और जांच के पहले बोले जितना रिपोर्ट है लेके आओ, तो बोले नहीं सदर में रह गया, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन बता रहा। तो हम बोले कि ऐसा नहीं चलेगा भरबली, आप लेके आइए रिपोर्ट। तो बोला नहीं, तो हम बोले नहीं तो जाँच करना होगा। तो जाँच किए पूरा, जांच करने में सही में समय लगता है, HIV HBHS सारा जांच वहां से हम लोग करते हैं। तो 7.5 ग्राम, तब तक उसका पेट माने एकदम जहर बन गया था। 48 घंटा में बच्चा मरे तो जहर बनेगा। वो उसकी दीदी ही पूरा रो रो के बोले बच्चा किसी तरह शॉक में चली गई। तो मैं अपना पूर्ण रूप से कोशिश किया, ऐसा नहीं आई कि मेरा लापरवाही से, और उस समय कोई साथ नहीं दिया, एक भी मनुष्य नहीं आया उसका ब्लड देने के लिए, एक भी नहीं। पूरी रात हम लोग पूरा परिजन को बोले। मतलब मौत का कारण क्या रहा? और ब्लड की कमी है, पूरा 7 ग्राम है और ऑपरेशन हो गया, बच्चा भी सड़ गया। उसका दो दो भाई था, कोई नहीं आया, घर में ही रह गया। अच्छा, पेट में बन गया था तो आपको पता है? हाँ सब पता, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हुआ, यहाँ भी किए सब, बच्चा मर। तो सब परिजन को पता चला था? हाँ सब पता था, सदर में बताया गया कि बच्चा मर गया है, इसलिए इसको धनबाद ले जाओ या कहीं ले जाओ, ऐसा बात। उसके बाद यहाँ पे लाया? इसके बाद यहाँ लाया, ठीक है। कल एक महिला क्रिश्चियन हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। जांच के क्रम में यह पाया गया कि ब्लड जो है 7.5 जो है ये था। इन्होंने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हेब्रम ने 2 बोतल खून के परिजनों को लाने के लिए निर्देश दिया था और ये लोग ब्लड जो है इंतजाम में लग गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ब्लड आने से पहले ही उस महिला का ऑपरेशन कर दिया और इसके कारण उनका डेथ हो गया। तो ये बहुत ही गलत निर्णय, ये मिस्टेक नहीं ब्लंडर था। ये डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि डॉक्टर को नेक्स्ट रिकॉर्ड बुलाया जाता है, भगवान के बाद अगर कोई है तो डॉक्टर ही होता है। और अभी जो है इस मामले में एक समझौता का मामला जो है तय हुआ है, उसमें डॉक्टर हेब्रम 5 लाख रुपये उस महिला के पति को जो दे रहे हैं, इसीलिए समझौता के तहत ये मामले को जो है परिणाम दे दिया गया है। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द आते कुछ और खबरों के साथ।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पैनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST SC OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बनखंजो स्थित क्रिश्चियन हिल के सौंदर्यीकरण के लिए मंगलवार को पहल की। इन्होंने सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव को ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द सौंदर्यीकरण की मांग की। श्री सिन्हा ने बताया कि राधा स्वामी संगठन विगत 15 वर्षों से अपने ग्रामीणों और सदस्यों के लिए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी को देखते हुए इनके मेरे द्वारा इस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण की मांग की गई। इस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण से यहाँ के लोकल निवासी को रोजगार मिल सकेगा, साथ ही बच्चों, युवाओं की खेलकूद और बुजुर्गों को टहलने के लिए एक अच्छी वातावरण के साथ जगह मिल पाएगा। इधर गुड्डू यादव के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जल्द ही पहाड़ी का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया जाएगा ताकि यहां के लोगों को एक नया पर्यटन स्थल मिल सके। नमस्कार, समस्त गिरिडीह वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा स्वामी संगठन विगत कई वर्षों से सर्व समाज के लिए कार्य कर रही है। आज उसी क्रम में माननीय सांसद प्रतिनिधि गुड्डू जी को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। बोड़ो स्थित बनखंजो पहाड़ी, जो क्रिश्चियन हिल के नाम से प्रसिद्ध है, उस पहाड़ी के सौंदर्यीकरण को लेके काफ़ी समय से मैं प्रयासरत था और उस प्रयास की कड़ी में आज माननीय सांसद प्रतिनिधि मृत्युंजय जी से जो है मुलाकात हुई और एक ज्ञापन जो है उनको सौंपा गया सौंदर्यीकरण के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जो है इसकी सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हो और जिससे पूरे बनखंजो के परिवार, गरीब परिवार को जो है यहां रोजगार मिले और क्षेत्र में जो है एक पर्यटन स्थल के रूप में जो है इसका विकास हो। धन्यवाद। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ और निश्चित तौर पर ये जो क्रिश्चियन हिल पहाड़ है, ये गिरिडीह शहर के लिए खूबसूरती है और बहुत खूबसूरत पहाड़ है। इसका सौंदर्यीकरण होने से शहरवासियों को इसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे वातावरण में लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और मोहल्ला वासियों को भी इसका लाभ होगा। माननीय सांसद जी को मैं इनके द्वारा दिया गया ज्ञापन से अवगत कराऊंगा और हमारा ये प्रयास रहेगा
कि जल्द से जल्द इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए तैयार हो जाए। कई प्राइवेट स्कूल टीचर को मैनेजमेंट के द्वारा तंग किए जाने को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस में उपायुक्त को लिखित शिकायत की गई। ऑल प्राइवेट कोचिंग संस्थान के बैनर तले यह आवेदन दिया गया। बताया गया कि इस मामले को लेकर कराटे टीचर दीपक श्रीवास्तव ने एप्टा संस्थान को अपनी शिकायत की। उसी के निमित्त दीपक श्रीवास्तव ने लिखित शिकायत देकर अपने पर बीती बात को बताया है। उन्होंने कहा कि ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में बीते 2 महीनों में बिना सूचना के 8 टीचर्स को निकाला गया है, जबकि उनकी बच्ची भी पढ़ती है, उसको भी निकालने की बात हो रही है। मतलब एक तरीके से मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल अचानक बिना सूचना के सबको निकाल रहे हैं। इधर उसी स्कूल की पुरानी शिक्षिका स्वाति सिन्हा ने भी शिकायत की। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एप्टा संस्था के मुख्य संरक्षक राजेश सिन्हा ने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल के टीचर यह शिकायत बार बार करते हैं, किंतु बहुत टीचर हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम टीचर दीपक श्रीवास्तव और स्वाति सिन्हा को संस्था की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने खुलकर बात की है। हम इनकी लड़ाई में साथ खड़े रहेंगे और उपायुक्त महोदय से कई विषयों पर जांच की मांग कर रहे हैं। हम लोग प्राइवेट कोचिंग सेंटर का एक संस्था एप्टा उसकी तरफ से आए हैं और डीसी महोदय को एक लिखित हम लोग ज्ञापन दिए। लगातार कई स्कूलों में, गिरडी के पूरे जिले की बात करें हम, तो कई स्कूलों में जो प्राइवेट टीचर हैं उसके साथ एक तरह से टॉर्चर किया जाता है। सैलरी कुछ और बोला जाता है, दिया कुछ और जाता है और अचानक निकाल दिया जाता है। उसमें हम लोग जब चोट करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। बच्चों को आप धूप में सिखाते हैं, बच्चों के साथ टॉर्चर करते हैं, अगर इस प्रकार की त्रुटियां आती हैं तो जांच के लिए दिए हैं। निश्चित तौर पर आपको सिर्फ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप टीचर को जो मजबूरी बस आपके यहाँ समय देते हैं, छुट्टी में भी आप उनको बैठा के उनका समय बर्बाद करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर, बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। एप्टा संगठन के सभी सदस्यों के साथ उपायुक्त कार्यालय आए हैं आवेदन देने के लिए। जो ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल, जो अत्याचार स्कूल के द्वारा शिक्षकों के साथ किया जा रहा है, करीब 2 माह में लगभग 8 शिक्षक शिक्षिकाओं को हटा दिया गया और बिना सूचना का। साथ ही अगर मुझे भी वहां से हटा दिया गया बिना सूचना का। किसी शिक्षकों को कोई समस्या नहीं, बच्चों को कोई समस्या नहीं, यहां तक कि स्कूल प्रबंधन बच्चों को धूप में सिखाता था, लेकिन हम मना करके सुबह सिखवाने का बात किए थे। इसी कारण से जो है सो हमको लगता है कि हमें हटा दिया गया कि आपका बात नहीं सुना जाएगा। स्कूल का HOD जो चाहेगी सो करेगी। नहीं, अभी 2 माह पहले आई है और उनके द्वारा बहुत ही कड़ा नियम लागू किया जा रहा है। सभी शिक्षिकाओं को परेशान किया जा रहा है। मुझे भी बहुत आते के साथ मुझे परेशान करना शुरू कर दिया गया था। इस तरह का काम हो रहा है। और नए नए संगठन से स्वाति सिन्हा बोल रही हूँ और मैं प्राइवेट शिक्षा संस्था के बारे में अपना बात को रखती हूँ कि प्राइवेट शिक्षा संस्थान में किसी भी टीचर को या शिक्षक शिक्षिकाएं को बहाली किया जाता है, उसे रखा जाता है, बट वहाँ पे किसी को ऑफर लेटर नहीं देना और समय पे कभी भी बीच में बोल के उसे हटा देना। तो मैं अपनी बात से ये रखना चाहती हूँ कि ये एप्टा संगठन का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाती है और किसी भी आर्थिक संतुलन बिगड़ जाने के बाद उनको परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि पूरा प्राइवेट प्रशिक्षण संस्थान में ये ध्यान सभी को इंक्वायरी करवाया जाए कि आगे आए। और मैं इस अपने बातों से ये भी रखना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक, जो प्राइवेट संस्था के शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, वो एप्टा संस्था से जुड़े, एकजुट हो, ताकि हमारे प्राइवेट संस्था में इस तरह का कारनामा ना किया जाए, किसी के साथ हताश न किया जाए। धन्यवाद। सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने बड़ा चौक, संतोषी माता मंदिर के बगल से लेकर कुटिया गली की सड़क एवं नाली का निर्माण करने हेतु एक पत्र सरकार को भेजा है। श्री खंडेलवाल ने अपने पत्र में लिखा है कि इस सड़क का निर्माण विगत 10 वर्ष से पूर्व कराया गया था। वर्तमान में सड़क की अवस्था काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है तथा सड़क में जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। श्री खंडेलवाल ने बताया कि स्थानीय कुटिया मंदिर का इतिहास लगभग 200 वर्ष से भी ज्यादा का है तथा यह काफी प्राचीन मंदिर है एवं गिरिडीह शहरी क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र होने के कारण शहर के हजारों लोगों का रोजाना इस सड़क पर आवागमन होता है। इस सड़क पर नाली का निर्माण भी ढंग से नहीं कराया गया है तथा नाली पर स्लैब नहीं लगाए जाने के कारण सड़क की चौड़ाई भी काफी कम हो गई है।
जिसके कारण यातायात की समस्या भी सब समय विद्यमान रहती है। बारिश के मौसम में नाली जाम हो जाने के कारण नाली का मल मूत्र, प्लास्टिक के पदार्थ एवं अन्य गंदे कीचड़ सड़क पर बहने के कारण विभिन्न तरह की बीमारियां भी पनप रही है। वर्तमान में इस सड़क की ऊंचाई भी लोगों के घरों से ऊपर हो गई है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। श्री खंडेलवाल ने सड़क का निर्माण, सड़क को खोदकर एवं नाली के ऊपर स्लैब का निर्माण करवाने के लिए सरकार से निवेदन किया है। श्री खंडेलवाल के इस पत्र को मोहम्मद आसिफ हसन, उप सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पास आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। मामले में संज्ञान लेने हेतु श्री खंडेलवाल ने संबंधित विभाग का आभार व्यक्त किया है एवं उम्मीद जताई है कि जनहित में सरकार के द्वारा इस सड़क का निर्माण जल्द ही करा लिया जाएगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र स्थित कुटिया गली की सड़क काफी खराब हो गई है एवं जीर्ण अवस्था में पहुंच गई है। कुटिया मंदिर में अनेकों देवी देवताओं का वास है, जिसमें मुख्य रूप से बालाजी महाराज का मंदिर, श्री रानी सती दादी जी का मंदिर एवं श्याम मंदिर अवस्थित है। इन मंदिरों में अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। तो इस समस्या को देखते हुए मैंने सरकार से निवेदन किया है कि इस सड़क का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए। मेरे आवेदन पर संज्ञान लेते हुए मेरे आवेदन को कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के पास इस आवेदन को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है, जिसके लिए मैं सरकार का आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि लोगों की आस्था को देखते हुए सरकार जल्द ही इस सड़क का निर्माण कराएगी, जिससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। धन्यवाद। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ के बैनर तले सोमवार को पंचायत सचिव कर्मियों ने कचहरी प्रांगण स्थित महासंघ भवन से मशाल जुलूस निकाली। यह मशाल जुलूस शाखा कार्यालय से निकलकर टावर चौक तक पहुंची। बताया गया कि झारखंड राज्य पंचायत सचिव के आह्वान पर 2 सूत्रीय राज्य स्तरीय मांगों की प्राप्ति हेतु राज्य सरकार के तमाम कर्मचारी कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और जब तक 2 सूत्रीय मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। हड़ताल अवधि के दौरान डीसी ऑफिस स्थित धरना स्थल पर पंचायत सचिव हड़ताल करेंगे। राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के पंचायत सचिव का 2 सूत्रीय मांग है, इसमें ग्रेड पे 2400 रुपये स्वीकृत किया जाए और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर 25% में शेष प्रोन्नति वरीयता के आधार पर दिया जाए एवं आरक्षित 25% पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का 3 बार अवसर देते हुए रिक्त स्थान को भरा जाए। मौके पर प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह, रूपलाल महतो, सदानंद प्रसाद, वशिष्ठ कुमार सिंह, अनूप कुमार, मुक्तेश्वर प्रसाद, अमर किशोर प्रसाद सिंह, राजेंद्र पंडित, लखन प्रसाद, रजक श्रीकांत वर्मा, मोबिन अहमद, मोहम्मद साजिब, समीम शेरवाई, किसको, विनोद मुर्मू, गणेश पांचवान आदि लोग मौजूद थे। देखिए, 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कल से समुचे राज्य में पंचायत सचिव हड़ताल पर जा रहे हैं। पूर्व में ही 2 महीना पूर्व ही सरकार को नोटिस दे दिया गया था। सच्चाई यह है कि पंचायत सचिव का मात्र 2400 ग्रेड पे की मांग है, न्यूनतम ग्रेड पे की मांग है, सरकार मात्र 1900 रुपया दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने कहा कि यह 2400 रुपया ग्रेड पे नहीं चलेगा, इसलिए कि इसके बाद हमारा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन होता है तो सीधे हम 2400 से 2000 पर 4200 पर कैसे जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने मांग रखा है। 2 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया आज मशाल जुलूस पूर्व संध्या पर। कल से समूचे राज्य में 6000 पंचायत सचिव और शीतकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम समझते हैं कि पंचायतों का जो कार्यकाज है वह बंद रहेगा। चुनाव के अवसर पर भी जो वादा किया अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हड़ताल के अलावा मेरा कोई विकल्प नहीं है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज।
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहां कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरेडी। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, ग्रीडी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय की ओर से मंगलवार को न्यू बरगंडा स्थित सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय ने बैंक के 90वें वर्ष के उपलक्ष में पूरे वर्ष भर के लिए कई नवोन्मेषी कार्यक्रमों और अभिनव पहलों की परिकल्पना की है। इसके अंतर्गत रांची कार्यालय ने राज्य के 90 विद्यालयों में वित्तीय शिक्षण व समावेशन संबंधित जागरूकता कार्यक्रम करने का निश्चय किया है, जिसमें विशेष योग्यता वाले बच्चों के स्कूल भी शामिल रहेंगे। इस अभियान के शुभारंभ दिनांक 20 अगस्त को जमशेदपुर स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन उच्च विद्यालय से हुआ। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक रांची कार्यालय ने सर जेसी बॉस बालिका उच्च विद्यालय में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन व वित्तीय जन जागरूकता के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि वित्तीय लालच और जल्दी पैसे कमाने की सोच से बचकर हम साइबर ठगी से बच सकते हैं। मौके पर वित्तीय जागरूकता को लेकर क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप 11 छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली छात्राओं में रिया कुमारी, प्रज्ञा कुमारी, राखी राय, प्रज्ञा पाठक, स्वाति केशरी, श्रेया पांडे, सृष्टि कुमारी केशरी, अदीबा इशाद, फाबिया बुसरा, सबनम प्रवीण और शनाया प्रवीण शामिल थे। वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के साथ ही रिजर्व बैंक रांची के विशेष अभियान हरा भरा सुंदर संचार के अंतर्गत विद्यालय परिसर में क्षेत्र निदेशक और प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा द्वारा दो पौधों का रोपण भी किया गया, जिसमें LDM अमृत कुमार चौधरी, RBI के प्रतिनिधि शिक्षक अख्तर अंसार और बाल संसद के पदाधिकारियों ने भाग लिया। क्या कार्यक्रम है सर?
ये हम लोग जागरूकता जो भी चर्चा हो रही है ना कि डेवलपमेंटल कार्य बहुत सारे हैं रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक के, उसी में जैसे बताया जा रहा है वित्तीय शिक्षण है, उसका वित्तीय समावेशन है, और हम लोग दूसरे फोरम्स के जरिए जो कस्टमर सर्विस कैसे बेहतर हो, और अगर पब्लिक के कोई ग्रीवांस हो, आप लोगों ने एकीकृत लोकपाल योजना के बारे में सुना होगा, तो इन सब के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। एक उद्देश्य यह है कि लोगों को मालूम हो कि उनके लिए वित्तीय सुविधाएं क्या है और उन वित्तीय सुविधाओं का अपने हित में कैसे इस्तेमाल करें। तो समावेशन से हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई साइड जो वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता रहे हर जगह, इसको सुनिश्चित करते हैं, और वित्तीय शिक्षण के जरिए लोगों को जागरूक बनाते हैं और कि उनके लिए ये सुविधाएँ, ताकि वो उन सुविधाओं के बारे में जानें और उनकी मांग करें, उनका उपयोग करें। और हमारी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल जिसको कहते हैं ग्रास रूट से, यंग एज से बच्चों को इस बारे में जानकारी दें, क्योंकि वित्तीय शिक्षण जो है बाकी शिक्षा के साथ साथ वित्तीय शिक्षण भी ज़रूरी है। तो जिस तरह से पूरी शिक्षा का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं, वित्तीय शिक्षा को भी हम लोग प्रचार प्रसार इसका करते हैं, इस उद्देश्य से कि आर्थिक गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का योगदान हो और वो सकारात्मक और सार्थक ढंग से उसमें शामिल हो सके। पूरे देश में चलाया जा रहा है, पूरे कंट्री में चल रहा है? जी, ये पूरे देश भर में चलता है, क्योंकि देश भर में रिजर्व बैंक के कार्यालय हैं, और हमारा क्षेत्रीय कार्यालय तो आप जानते हैं मुंबई है, और क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यतः जो राज्यों की राजधानियों में है, इसके अलावा भी हैं, तो उनके जरिए एक तरह से समेकित प्रयास होता है और कई स्तरों पर प्रयास होता है, जिसमें हम लोग बैंकों को भी शामिल करते हैं, वित्तीय संस्थाओं को भी शामिल करते हैं, उनके जो ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम हमारा होता है कि उनके यहाँ के लोगों को ट्रेन करें, वो जाके आगे और लोगों को इस तरह की जागरूकताएँ उपलब्ध कराएं। तीसरी थाना क्षेत्र के असगंदो निवासी नाथनियल मुर्मू को उसके भाई ने लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मारपीट कर घायल कर दिया। मंगलवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इस संबंध में घायल की पुत्री प्रेमलता मुर्मू ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में बताया गया कि इसके पिता खेत की तरह खाली जमीन पर अपने बैलों को चला रहे थे, इसी दौरान बारथोलमा मुर्मू ने गाली गलौज करने लगा, मना करने पर मारपीट किया, वहीं कुल्हाड़ी से नाथनियल मुर्मू के हाथ पर गंभीर वार कर दिया, जिससे इनका एक हाथ टूट गया। आनन फानन में इलाज के लिए सीएचसी सेंटर ले जाया गया, वहां से बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। प्रेमलता मुर्मू। ये कौन लगते हैं आपके? मेरे पापा। क्या नाम था? नथानियल मुर्मू। कहाँ घर है? तीसरी है, तीसरी पंचायत में पड़ता है, और हम लोग असगंदों के रहने वाले हैं। क्या हुआ था? इनके साथ मारपीट हुआ था, मेरे चाचा मारे थे उनको, और इलाज के बाद ही उनका तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, ठीक होने के बजाय उनका तबीयत ख़राब होते रहा और एक्सपायर हो गया। कब हुई थी एक्सपायर? कल। मारपीट कब हुआ था? 16 जुलाई को। तो आप आवेदन दिए थे थाना में? हाँ दिए थे। कौन कौन मारे हैं, क्या नाम है उनका? मेरे चाचा, उनका नाम है बारथोलमा मुर्मू, और उनकी वाइफ उनके साथ थी, लेकिन उसको नहीं रोकी, और वो गाली गलौज वो भी कर रही थी और मार रहे थे मेरे चाचा। मेरे पापा बहुत बचने का प्रयास किया। क्या कारण था मारपीट का? वो गाय चराने को लेकर था, मेरे पापा वो बारी के अगल बगल चरा रहे थे, तो उसी को लेकर के वो लोग मारपीट किए कि यहाँ क्यों चरा रहा है बोल के, बस इतना सा बात के लिए। एक महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सोमवार की देर रात सेशिया स्थित मनीष नर्सिंग होम में मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा किया। आक्रोशित लोग अचानक मनीष नर्सिंग होम में पहुंचे और तोड़फोड़ व वहां मौजूद डॉक्टर बीवी सिंह और डॉक्टर राजीव कुमार के साथ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए 4 कर्मचारियों को भी पीटा। घटना में 2 डॉक्टर समेत 6 लोग घायल हुए। बताया जाता है कि नर्सिंग होम में बरामसिया के गौतम भदानी की पत्नी ब्यूटी कुमारी को 20 अगस्त को गर्भवती अवस्था में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन से उसने एक बच्ची को जन्म दिया। बताया जाता है कि इसी बीच महिला की स्थिति बिगड़ने लगी, उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। धनबाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इधर मृतक के परिजनों और नजदीकी लोगों का कहना है कि नर्सिंग होम के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण महिला की स्थिति गंभीर हो गई और खुद को बचाने के लिए डॉक्टरों ने उसे तुरंत रेफर कर दिया। मृतिका का देवर आयुष का कहना है कि ऑपरेशन के पूर्व ब्लड जांच कराई गई थी, जिसमें यह पुष्टि हुई थी कि प्लेटलेट्स कम है और बुखार भी है। इसके बाद भी चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर दिया, इससे उनकी भाभी की मौत हो गई।
घटना की सूचना पाकर मुफस्सिल व नगर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो व शैलेश प्रसाद सदलबल घटना स्थल पर पहुंचे। श्री महतो ने बताया कि आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। सीसीएल क्षेत्र के बनियाड स्थित लांस्टर अस्पताल परिसर में मंगलवार को भूधसान की घटना घटी है। यहां अस्पताल वार्ड के सामने से क्वार्टर और अस्पताल के दूसरी तरफ जमीन का एक हिस्सा धस गया है। कहा जाए तो जमीन में एक गोफ बन गया। इसके बाद से यहां के कर्मी व चिकित्सा में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। इधर चिकित्सा डॉक्टर परमिल सिन्हा ने पूरे मामले में महाप्रबंधक बासव चौधरी और परियोजना पदाधिकारी संजय कुमार सिंह को अवगत कराया। जानकारी मिलते ही पीओ एस के सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। यहाँ हॉस्पिटल में भूदशान हुआ है, उसमें जेसीबी को भेजा गया है, उसको भरा जाएगा। जहाँ भी भूदशान होता है उसको भरा ही जाता है और उसको कुछ नहीं हो सकता। सर कार्रवाई क्या की जाएगी? सर कार्रवाई इलीगल माइनिंग के वजह से हुआ, इलीगल माइनिंग पर तो हम लोग रोज कार्रवाई करते हैं अपने स्तर से। हम जहाँ तक भर सकते हैं डेली जेसीबी चला रहे हैं इलीगल माइनिंग को भरने के लिए। बाकी जो चोर लोग हैं उनके अगेंस्ट में एफ आई आर कराया गया है, वो लोग पकड़ाएगा तभी कुछ होगा, बंद होगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, ओथी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनो प्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 06532356150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्रिक की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।